हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज मिस्टर धर्मेंद्र सिंह, वी आर कम फ्रॉम सो रजिस्ट स्कूल मंदरगढ़। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट आवर सिक्स्थ लेसन माय चाइल्डहुड मींस ऑफ द एबिट ऑफ बचपन। इट इज रिटन बाय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। देखिए कि माय चाइल्डहुड जो लेसन है वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखा गया है। माय चाइल्डहुड एंड एक्सट्रैक्ट ऑफ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम्स ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर। बेटे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने अपनी एक ऑटोबायोग्राफी लिखी थी कि ऑटोबायोग्राफी मीन्स होता है द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन। कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी और उसका नाम दिया था बेटा उसने विंग्स ऑफ फायर। उसी का ही एक एक्सट्रैक्ट है बेटा माय चाइल्डहुड। इन दिस लेसन डॉक्टर एपीजे डिस्क्राइब्स हिज चाइल्डहुड इंसिडेंट्स। इस लेसन में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने बचपन के इंसिडेंट्स, बचपन के अंदर क्या क्या घटनाएं उसके साथ जो घटी हुई है, बचपन के अपने बचपन के बारे में बताया है। देखिए बेटा, आई वॉज बोर्न, मेरा जन्म हुआ था इनटू ए मिडिल क्लास, एक मध्यम वर्गीय तमिल परिवार में, इन द आइलैंड टाउन, द्वीपीय कस्बे ओम रामेश्वरम के, इन द अरेस्ट वाइल मीन्स होता है द फॉर्मर भूतपूर्व मद्रास स्टेट, मद्रास राज्य की। यानी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हमें बता रहे हैं कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म एक मध्यम वर्गीय तमिल परिवार में हुआ था और इसका जन्म कहता है कि एक द्वीपीय कस्बा रामेश्वरम, जो कि कहते हैं हमारा भूतपूर्व राज्य मद्रास था, उसके एक छोटे से गांव रामेश्वरम में इसका जन्म हुआ था। माय फादर, कि मेरे पिता जैनुलाब्दीन, जिसका नाम था बेटा जैनुलाब्दीन, कि अब्दुल कलाम के पिता का नाम था बेटा जैनुलाब्दीन, हैड नाइदर, न तो मच फॉर्मल एजुकेशन, ज्यादा शिक्षा थी। कि हमें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बता रहा है कि उसके पिता जैनुलाब्दीन के पास न तो ज्यादा शिक्षा थी नॉर मच वेल्थ, न ही ज्यादा उसके पास क्या था बेटा पैसा था। कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के पिता जो थे वो न तो ज्यादा पढ़े लिखे थे, न उसके पास धन संपत्ति थी। डिस्पाइट, बावजूद दीज डिसएडवांटेज, इन कमियों की, कि इन कमियों के बावजूद, शिक्षा और धन की इन कमी के बावजूद, ही पजेस्ड ग्रेट इननेट विजडम, उसके अंदर बहुत ही अधिक आंतरिक बुद्धिमत्ता थी, ग्रेट अनेक विजडम थी, एंड ए ट्रू जनरोसिटी ऑफ स्पिरिट, एंड और ए ट्रू जनरोसिटी, एक सच्ची उदारता थी ऑफ स्पिरिट, आत्मा की। अर्थात उसके पिता एक बहुत ही बुद्धिमान और दयालु स्वभाव के। He had an idol handmaid, उसके पास एक आदर्श सहयोगी थी। कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बताते हैं कि उसके पिता की एक आदर्श सहयोगिनी थी इन माय मदर, उसकी माँ के रूप में, कि एपीजे अब्दुल कलाम की माँ के रूप में उसके पिता की एक आदर्श सहयोगिनी थी आसियामा, जिसका क्या नाम था बेटा आसियामा था। कि एपीजे अब्दुल कलाम के पिता का नाम जैनुलाब्दीन और माँ का नाम क्या था बेटा आसियामा था। आई डू नॉट रिकॉल, कि मुझे याद नहीं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बताते हैं कि आई डू नॉट रिकॉल, मुझे याद नहीं है द एग्जैक्ट नंबर, सही संख्या ऑफ पीपल, लोगों की, शी फेड एवरी डे, जो वह प्रतिदिन खिलाती थी ना, उन लोगों की सही संख्या याद नहीं है, बट आई एम क्वाइट सर्टेन, लेकिन मुझे पक्का पूरा विश्वास था दैट फार मोर आउटसाइडर्स, फार ज्यादा मोर आउटसाइडर्स भाई है लोग थे, लेकिन
ज्यादा भाई लोग होते थे एंड खाने वाले विदर्स हमारे साथ, लेकिन ये बात सच है कि बाहर के लोग खाने वाले ज्यादा होते थे देन ऑल द मेंबर्स। सर कुल संख्या मिलाकर ऑफ आवर फैमिली पुट टुगेदर कि हमारे परिवार की कुल जो संख्या है ना सदस्यों की, उससे अधिक बाहर के लोग खाने वाले होते थे। अर्थात हमारे घर में बाहर के लोगों को अधिक खाना खिलाया जाता था। आई वाज वन ऑफ मेनी चिल्ड्रन, आई मैं वाज वन ऑफ मेनी चिल्ड्रन, उन अनेक बच्चों में से एक था, कि मैं उस अनेक बच्चों में से एक था। ए शॉर्ट बॉय, एक छोटा सा लड़का, विद रादर एंड डिस्टिंग्विश्ड, बिल्कुल साधारण सा लुक्स दिखाई देने वाला, कि मैं साधारण सा दिखाई देने वाला एक छोटे से कद का लड़का था। बोरन और जन्म हुआ था टू ए टॉल, एक लंबे एंड हैंडसम पेरेंट्स और सुंदर माता पिता के यहाँ, और मेरा जन्म एक लंबे और सुंदर माता पिता के यहाँ पर जन्म हुआ था। वी लिव, हम रहते थे, कि एक पीजे अब्दुल कलाम है वो बताता है कि वे रहते थे इन आवर एंसेस्ट्रल हाउस, उनके पूर्वजों के मकान में, कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अपने पूर्वजों के मकान में रहते थे। थैंक्स एंड हैव ए नाइस।